पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टॉप 25 के मैचअप अनाउंस होते हैं, जहां पर रेड और सिंथिया की बैटल आपस में होनी थी। वहीं पर आज की बैटल एक ऐसे पोकेमोन ट्रेनर के साथ थी जिसकी प्रोफाइल ब्लैंक थी, बट आगे जाके आज को पता चलता है कि वो कैमरन था। बैटल स्टार्ट होती है, कैमरन यूज करता है स्वैना पोकेमोन का, वहीं पर ऐश यूज करता है चार्जार्ड का। चार्जार्ड काफी इजीली स्वैना को डिफीट कर देता है, जिससे कैमरन एलिमिनेट हो जाता है एंड ऐश टॉप 10 में पहुंच जाता है। इसके बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है जब रेड और सिंथिया की बैटल स्टार्ट होनी थी। सिंथिया यूज करती है टोगेकिस का, वहीं पर रेड चार्जार्ड को चुनता है। अब आगे स्टार्ट हो जाती है, बैटल काफी इंटेंस चल रही होती है और दोनों ही पोकेमोन अच्छी टक्कर दे रहे थे, पर तब ये काफी अजीब चीज होती है। बीच में स्टेडियम में काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है, जो कि पोकेमोन्स के अटैक के चलते नहीं हुआ था। जितने भी लोग स्टेडियम में बैठे हुए थे सभी लोग डर जाते हैं। अनाउंसर बोलता है कि स्टेडियम में बैठे हुए लोग बाहर आ जाएं। कुछ लोगों ने स्टेडियम पे हमला कर दिया है, जिसके चलते स्टेडियम पे जितने भी लोग थे वो सभी बाहर आ जाते हैं। रेड बोलता है वहाँ देखो, वो टीम रॉकेट है जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। रेड और सिंथिया अपने पोकेमोन्स का यूज करके टीम रॉकेट को डिफीट कर देते हैं, जिससे वो वहाँ से चले जाते हैं और स्टेडियम एक और बार सेफ हो जाता है। सिंथिया और रेड दोनों बैटल को कंटिन्यू कर सकते थे, बट अब स्टेडियम में कोई भी नहीं था। फाइनली एक काफी इंटेंस बैटल के बाद बैटल एंड हो जाती है और सिंथिया और रेड में से कोई एक पोकेमोन ट्रेनर जीत जाता है, बट किसी को भी नहीं पता चलता कि इनमें से कौन जीता है, क्योंकि सभी लोग स्टेडियम के बाहर होते हैं। इसके बाद जब सब कुछ सेफ हो चुका था, तब सबको स्टेडियम के अंदर बुलाया जाता है और ऐश को पता चलता है कि रेड वर्सेस सिंथिया की बैटल खत्म हो चुकी है एंड उसको नहीं पता चला है कि इन दोनों में से विनर कौन है। सेरेना काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इन दोनों की बैटल देखने के लिए, बट वो नहीं देख पाए। ब्रॉक बोलता है कि दो राउंड्स के बीच में ब्रेक भी नहीं है, यानी कि हम नहीं जान पाएंगे कि दोनों में से विनर कौन था, हमारे पास उनसे मिलने का टाइम नहीं होगा। तभी अनाउंसर बोलता है कि अब सारी बैटल्स हो चुकी है टॉप 25 राउंड की एंड अब हम सेकंड लास्ट राउंड में जा रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 13 पोकेमोन ट्रेनर्स बचे हुए हैं। बट एक ट्विस्ट है, ये राउंड बैटलिंग राउंड नहीं होने वाला है। ये सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो सभी लोग बैटल करके ही आगे बढ़ रहे थे। कमेंटेटर बोलता है कि हाँ, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही सुना, अब जितने भी पोकेमोन ट्रेनर्स बचे हुए हैं उनको एक खाली जगह पर छोड़ दिया जाएगा एंड उस मैदान में दो फॉसिल्स होंगे। इन 12 पोकेमोन ट्रेनर्स में से जो भी दो पोकेमोन ट्रेनर्स फॉसिल ढूंढ लेते हैं उन्हीं के बीच में फाइनल होने वाला है एंड बाकी के बचे हुए 10 पोकेमोन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐश बोलता है वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंटेटर बोलता है कि ऑल्सो ये दो फॉसिल पोकेमोन काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स के होने वाले हैं। जो दो पोकेमोन ट्रेनर्स इन फॉसिल को ढूंढ लेते हैं उनको ये फॉसिल रखने दिया जाएगा, जिसके बाद वो लोग इसको रिवाइव भी कर सकते हैं फ्यूचर में एंड वो पोकेमोन उनके हो जाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी होगा टॉप 2 में जाने के लिए। ये कॉम्पिटिशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा था। कमेंटेटर बोलता है कि हमने ग्राउंड को प्रिपेयर कर लिया है और दो फॉसिल भी छुपा दिए, अब बाकी बचे हुए 12 पोकेमोन ट्रेनर्स ग्राउंड में आ जाए जिनके बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है। ऐश और बाकी सारे पोकेमोन ट्रेनर्स बैटल फील्ड में आ जाते हैं। ऐश बोलता है कि अब वो फॉसिल इसी बैटल फील्ड में छुपे हुए हैं। इतने में पूरी बैटल फील्ड शेक होना स्टार्ट हो जाती है और वो एक अजीब से जगह में बदल जाती है, जहां पर काफी सारे पत्थर थे। अनाउंसर बोलता है कि ये रही वो जगह जहां पर दो फॉसिल छुपाए गए हैं, तुम्हारा टाइम अब स्टार्ट होता है। सारे पोकेमोन ट्रेनर्स को शवल दी जाती है और बोला जाता है कि आप लोग अपने पोकेमोन्स का भी हेल्प ले सकते हो फॉसिल को ढूंढने के लिए। सारे पोकेमोन ट्रेनर रश करते हैं और वो दो फॉसिल को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश अपने चार्जार्ड और पिकाचू को बाहर निकालता है हेल्प करने के लिए। किसी भी पोकेमोन ट्रेनर को कोई भी फॉसिल नहीं मिल रहा था, तभी ऐश को ब्रॉक की एडवाइस याद आती है, जो कि ऐश को चैलेंज स्टार्ट होने से पहले मिली थी। ब्रॉक के अकॉर्डिंग पुरानी जगह पर फॉसिल होने के ज्यादा चांसेस हैं, जहां पर एशियंट रॉक हो। ऐश ऐसी कोई जगह को ढूंढता है और फाइनली उसको ऐसी जगह मिल जाती है, जहां पर वो शवल का यूज करके डिग करना स्टार्ट कर देता है। पिकाचू और चार्जार्ड भी उसकी हेल्प करते हैं और काफी टाइम तक वो लोग वहीं पर डिग करते हैं। बाकी सारे पोकेमोन ट्रेनर्स भी फॉसिल ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं। उन्हीं के बीच में एक पोकेमोन ट्रेनर होती है जिसका नाम जेड होता है। वो आर्कियोलॉजी में एक्सपर्ट है एंड उसको सॉइल कॉम्पोजिशन और टेरेन के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। उसके अकॉर्डिंग उसको एक परफेक्ट जगह मिल चुकी थी जहां पर फॉसिल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है एंड वो जगह बहुत ज्यादा दूर थी। बाकी सारे पोकेमोन ट्रेनर्स है, जैसे जैसे वो उस जगह को डिग करना स्टार्ट करती है उसकी मेहनत रंग भी लाती है। उसको एंशियंट पोकेमोन्स के बोन्स देखने को मिलते हैं, ये एक हिंट था कि वहाँ पर फॉसिल हो सकता है। घंटों बीत जाते हैं और शाम हो जाती है, अभी तक किसी भी पोकेमोन ट्रेनर को कोई भी फॉसिल नहीं मिला था, जिसके चलते सारे पोकेमोन ट्रेनर्स फ्रस्ट्रेट हो चुके थे एंड उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया था। कुछ पोकेमोन ट्रेनर्स ने ग्रुप बना लिया था एंड वो सब मिलकर अपने नॉलेज का यूज कर रहे थे और फॉसिल ढूंढना स्टार्ट कर रहे थे। वहीं पर कुछ पोकेमोन ट्रेनर्स दूसरे पोकेमोन ट्रेनर्स को अपने राइवल की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो अपने पोकेमोन का यूज करके उनकी प्रोग्रेस खराब कर रहे थे ताकि वो फॉसिल ना ढूंढ पाए। कॉम्पिटिशन अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ऐश और उसके पोकेमोन्स और भी ज्यादा मेहनत करते हैं फॉसिल ढूंढने के लिए, बट उनको भी कोई फॉसिल नहीं मिल रहा था। ऐश और पिकाचू हार मानने वाले थे कि तभी चार्जार्ड डिग करना रोक देता है एंड वो किसी जगह को स्मेल करता है एंड वहीं पर डिग करना स्टार्ट कर देता है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। ऐश बोलता है चार्जार्ड क्या तुम्हें कोई फॉसिल का हिंट मिला है। चार्जार्ड अपना सर हिलाता है
दिख करते हुए चार्जार्ड का नाखून किसी कड़क चीज पर लगता है जो कि एक बोन की तरह दिख रहा था। ऐश की हार्ट बीट बढ़ जाती है एंड वो उस चीज को क्लियर करता है, वो एक एंशिएंट पोकेमोन की बोन थी, यानी कि यहाँ पर सच में एक फॉसिल हो सकता था। ऐश और पिकाचू भी चार्जार्ड को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पर और भी ज्यादा डिग करते हैं। दूसरी तरफ जेट को बोन्स तो मिल चुके थे बट अभी तक उसको कोई भी फॉसिल नहीं मिला था, वो भी हार बांध रही थी। पर तभी वो ऐश की तरफ देखती है एंड उसको रियलाइज होता है कि ऐश ने कोई रेयर चीज ढूंढ ली है, इसीलिए ऐश पिकाचू और चार्जार्ड इतना एक्साइटेड होकर डिग कर रहे हैं। जेट को किसी तरह से उनको रोकना था बट वो उनसे कहीं ज्यादा दूर थी, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है और वो अपने ग्राउंड टाइप पोकेमोन यानी कि एक्सकाड्रिल को बाहर निकालती है। वो बोलती है एक्सकाड्रिल यहाँ पर एक टनल बनाओ और जहाँ पर ऐश डिग कर रहा है वहाँ से जाके उसका फॉसिल लेकर आ जाओ। एक्सकाड्रिल बिल्कुल ऐसे करता है, वो जमीन के अंदर चले जाता है एंड उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ऐश और उसके पोकेमोन डिग कर रहे थे। ऐश को फाइनली फॉसिल दिख जाता है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उस फॉसिल को उठाने वाला होता है कि तभी जमीन हिलना स्टार्ट हो जाती है और ऐश के हाथ से वो फॉसिल नीचे गिर जाता है। ये एक्सकाड्रिल का काम था। जेट को पता था कि एक्सकाड्रिल बिल्कुल सही काम कर रहा था। ऐश और उसके पोकेमोन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत करीब थे फाइनल्स में जाने के बट अब उनको वापस से वही फॉसिल ढूंढना होगा। स्टिल वो हार नहीं मानते हैं और पिकाचू एक काफी स्ट्रॉन्ग आयरन टेल का यूज करता है उस फॉसिल को ढूंढने के लिए बट वो आयरन टेल एक काफी कड़क जगह पर जाकर लग जाता है जिससे ऐश और उसके पोकेमोन कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या है बट एक्चुअली में वो एक्सकाड्रिल होता है जो कि अब डिफीट हो चुका था टनल के अंदर ही। ये चीज जेट को पता चलती है एंड वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि अब उसका पोकेमोन फॉसिल को नहीं छीन सकता था। अब जेट को ही कुछ करना होगा। ऐश अपने पोकेमोन की हेल्प से वापस से उस फॉसिल को ढूंढ लेता है। जेट वापस से उस फॉसिल को लेने के लिए ऐश के पास आ रही होती है पर तब ऐश उस फॉसिल को पकड़ लेता है जिससे जेट डिसअपॉइंटेड हो जाती है एंड अब क्योंकि ऐश के हाथ में फॉसिल आ चुका था वो फाइनल्स में अपनी जगह सिक्योर कर लेता है, यानी कि वो सबसे पहला फाइनलिस्ट था। ऐश और इसके पोकेमोन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ब्रॉक, मिस्टी और सेना भी काफी खुश होते हैं। ब्रॉक बोलता है कि मेरी स्ट्रैटेजी काम आ गई, ऐश को उसी जगह पर फॉसिल मिला है जहाँ पर एंशिएंट रॉक्स थे। मिस्टी बोलते हैं कि मुझे कभी भी नहीं पता था कि तुम्हें फॉसिल्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। वेल, अब ऐश को तो फॉसिल मिल गया था एंड वो फाइनल में चला गया था बट अभी भी एक स्पॉट खाली थी फाइनल्स के लिए एंड एक लास्ट फॉसिल बैड फील्ड में दबा हुआ था जिसके लिए 11 पोकेमोन ट्रेनर्स कम्पीट कर रहे थे। इसमें से जो भी इस फॉसिल को ढूंढ लेता है वो ऐश के साथ बैल करेगा फाइनल्स में। जेट बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है बट उसके एक्सकाड्रिल बोलता है कि अभी भी हमारे पास चांस है फाइनल्स में जाने का, हमें दूसरे फॉसिल को ढूंढना होगा। पर तभी बाकी सारे पोकेमोन ट्रेनर्स उस जगह को डिस्कवर कर लेते हैं जहाँ पर जेट ने पहले डिग किया था एंड वहाँ पर उसको हड्डियाँ दिख गई थी। उन्हीं में से एक पोकेमोन ट्रेनर एक ऐसी चीज को डिस्कवर कर लेता है जिस पर जेट का ध्यान नहीं गया था, वो एक गोल पत्थर था।